नमस्कार। आज वसंत पंचमी है और आप सबके साथ अपनी कुछ कविताओं को शेयर करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। वसंत पंचमी का दिन काव्य साधना की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय है। माता सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी मानी जाती हैं और आज के दिन हम सब उनकी उपासना करते हैं। और कहा जाता है कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माता सरस्वती के साधक थे, आराधक थे, और उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं सरस्वती की उपासना में, उनकी अभ्यर्थना में, उनकी प्रार्थना में। सरस्वती के वीणा के तारों से संसार में जीवन के समस्त सुंदर स्वर जो हैं वो प्रस्फुटित हुए हैं और अपनी ये कविता में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जिनका आज जन्मदिन भी है, वसंत पंचमी के दिन ही महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था, तो उन्होंने देश को अज्ञानता और गुलामी के अंधकार से मुक्त करने की प्रार्थना देवी सरस्वती से की थी। काट अंध उरके बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वर दे वीणा वाद नी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वर दे वीणा वाद नी वर दे। आज पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को स्मरण करते हुए हम सब काव्य साधना, काव्य लेखन, काव्य कर्म को नई उष्मा से, भावों की नवी के नव के की नई उष्मा से, विचारों के नए रंगों से, संवेदनाओं के सुनहरे संवेदनाओं की सुनहरी धूप से इसको एक नई दिशा, एक नया क्षितिज, एक नया वितान देने देने का संकल्प हम सभी मिलजुल कर करें। समाज में रचनाकारों का, लेखकों का अपना एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है और आत्मिक ऊर्जा, आत्मिक शक्ति, सामर्थ्य का संचार अपने लेखन से करने वाले तमाम लेखकों, कवियों, रचनाकारों के लिए महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन, संघर्षमय जीवन और उनकी जो चेतना है वह सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी। और आज के कार्यक्रम में हमने उनको विशेष रूप से इसलिए स्मरण किया है और मैं आज आपको अपनी एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं जिसका शीर्षक है बादल। यही प्रेम है जो तुमने पाया, यही प्रेम है जो तुमने पाया, अपने पास बुलाकर इसने तुम्हें सताया। यही प्रेम है जो तुमने पाया, अपने पास बुलाकर इसने तुम्हें सताया। प्रेम में कोई अब क्या देता, ग्रीष्म के मौसम में मानो नीम की छाया में तीर चलाकर बेधा। यही प्रेम है जो तुमने पाया, प्रेम में बातें करना तुमने बारिश के मौसम में सीखा, आकुल व्याकुल बादल आकाश में आया, प्रेम की राहों में अंधियारा छाया, बिजली कड़क रही, तुमने नदी किनारे आकर
भीगे मन से गीत सुनाया, यही प्रेम है, यही प्रेम है जो तुमने पाया, यही प्रेम है जो तुमने पाया, यही प्रेम है जो तुमने पाया, यही प्रेम है जो तुमने पाया। और दोस्तों, मैं आपको एक और कविता सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है राम राज्य। हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा में, वैचारिक परंपरा में, धार्मिक परंपरा में, सामाजिक परंपरा में सदैव शांति, सद्भाव, सहिष्णुता का समावेश रहा है और हम लोगों ने इसी के सहारे एक बहुत लंबा संघर्ष हमने तय किया है और राम राज्य उसी का प्रतीक है। हमारे देश में और सारी दुनिया में, खासतौर से अपने देश में, राम राज्य की परिकल्पना जब हम करते हैं तो उसमें शांति, सहस्तित्व, सहयोग, प्रेम, सद्भाव, इन सब बातों की प्रधानता और इनकी खोज, इनके साथ इनके इसके आलोक में एक सामंजस्य की उपस्थिति, इन सब बातों के करीब हम पहुंचते हैं। और आज मैं आपको इसी विषय पर एक कविता सुना रहा हूं। अयोध्या नगरी में चतुर्दिक उल्लास छाया, हर जगह मोद मंगल बधावा, तोरण द्वार दीप मालिकाओं से सजा नगर सारा, आज सुबह से पुलकित बहती सरयू की धारा, राम ने रावण को मारा, मानवता को पतन के गर्त से उबारा। इसकी स्मृति में वाल्मीकि ने रामायण को रचकर सबको सभ्यता संस्कृति का सच्चा पाठ पढ़ाया। आज आकाश में दिवाली की रात में तारों ने चांद को बुलाया, गंगा की पावन धारा में पुलकित होकर सबने नहाया, सुबह सूरज सारे बच्चों को जगाने आया, रात में सबने लक्ष्मी गणेश को लड्डू का भोग चढ़ाया, असंख्य दीपों से नगर को सजाया, सारे घरों के द्वार पर खुशियां छा गईं, रात की चहल पहल सबके साथ बच्चों को भा रही, सारे लोग सुबह से घर आंगन बाजार बस्ती गलियों की सफाई में जुटे, किसान रबी की बुआई से पहले नहाने के लिए नदी नालों की ओर चले, सागर के किनारे नीला आकाश सुबह सुनहरी लहरों को निहारता, हिमालय धर्म की ध्वजा थाम कर शत्रु को ललकारता, हिमालय धर्म की ध्वजा थाम कर शत्रु को ललकारता, हिमालय धर्म की ध्वजा थाम कर शत्रु को ललकारता, धरती अंगराई लेकर उठी है, हवा सबके पास आकर अब सच्चे प्रेम में पगी है, नया सवेरा आया, राम ने भरत को गले से लगाया, अयोध्या वासियों ने उन पर फूल बरसाया, अपनी प्रजा के प्रेम को पाकर राम ने माथा नवाया, राम राज्य आया। दोस्तों, राम राज्य सदैव इस देश में कायम रहा है। राम राज्य से हमारा आशय है आत्मिक भारतीय जीवन परंपरा की जो आत्मिक रंग है उस रंग में रंगकर समाज, राजनीति, शासन, धर्म, संस्कृति, इन सब के आदर्श जब चरितार्थ होते हैं और समाज में मानवीय मूल्य, सामाजिक मूल्य एक साथ जब आपस में मिलकर
एकीकृत होकर जब समाज में प्रतिष्ठित होते हैं तो उसी का नाम है राम राज्य। और आज जमाना बदल गया, समय बदल गया, काफी बदलावों को लेकर के हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और यह सब राम राज्य की जो जीवन चेतना हमारी है उसी का यह प्रतिफल है कि हम नारियों को उनका समुचित स्थान प्रदान करें, दलितों को हम समाज में आदर सम्मान प्रदान करें, उनके अंदर विश्वास का भाव जगाएं और मानवीय मूल्य सर्वोपरि बने। कटुता की बातें, विघटन की बातें, शत्रुता की बातें खत्म हो समाज में, राम राज्य उसी का प्रतीक है। और दोस्तों मैं अपनी एक और कविता आपको सुना रहा हूं और इस कविता का शीर्षक है कागज की नाव। हर मौसम में हवा प्रेम का मीठा गीत सुनाती, जाड़े के मौसम में, जाड़े के मौसम में माँ कभी अलाव जलाती उसकी मीठी लपटों में, तब हवा कोहरे से बाहर आती, ठंड से जकड़े मन को कहीं दूर भगाती, गर्मी के मौसम में उस झुरमुट की याद बहुत तब आती, जिसके पीछे बहुत देर तक बचपन की चुप्पी छा जाती, सावन की रिमझिम में कोई नदिया पास बुलाती, बाग बगीचों में जाकर सखियों संग मोद बनाती, झूले पर लहराती यह सतरंगी चुनरी, सबके मन को भाती, झूले पर लहराती यह सतरंगी चुनरी, सबके मन को भाती, हर मौसम में हवा प्रेम का मीठा गीत सुनाती। दोस्तों सावन की तरह से ही वसंत भी जो है वो एक बहुत ही, सावन तो महीना है लेकिन वसंत ऋतु है, तो वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और सावन बरसात, वर्षा ऋतु की तरह से ही वसंत ऋतु को भी बहुत सुखद माना गया है और वसंत हमें नवजीवन का संदेश दे रहा है। हम नई चेतना के साथ अपने जीवन को सजी संवारने में हम सब जुट रहे हैं और हमारे साथ साधना सफल हो, इन्हीं सब आशाओं के साथ वसंत पंचमी के दिन आप सबसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं जन सरोकार मंच पर हम लोग फिर आगे कभी मिलेंगे और मैं मंच के संचालक देवेंद्र जोशी जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे आज अपनी कुछ कविताओं को सुनाने का मौका आज इतनी देर रात में मुझे प्रदान किया है। हम उनके आभारी हैं और हम लोग फिर आपसे, हम लोग, मेरी मुलाकात आप लोगों से फिर आगे कभी होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। आपका राजीव कुमार झा।